नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय आ चुका है। जी हां फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है कि जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उन सभी का मानदेय आ चुका है। और मानदेय किस प्रकार से चेक करना है आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप सारी जानकारी बताने वाला हूँ। और आपको किस महीने का मानदेय भेजा गया है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं जब भी आंगनबाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आप सब तक पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और बताते हैं आपको कैसे अपना मानदेय चेक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी को अपना ऑनलाइन मानदेय चेक करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जो ICDS का ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है। आप लोग यहाँ से जाके आप लोग इस आंगन मानदेय के वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। और उसके बाद आपको मैं यहाँ पे नीचे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी जाके आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें जानकारी एंटर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष यहाँ पे दिया गया है। डेजिग्नेशन दिया गया है कि आप लोग किसका चेक करना चाहते हैं, सेविका का या सहायिका का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 2020 एंड 2021, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे पूरे सेविका एंड सहायिका का दिसंबर महीने से लेके मार्च महीने 2021 तक सभी आंगनबाड़ी, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका एंड सहायिका का मानदेय अभी बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग 2020-21 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन में यहाँ पे सेविका या सहायिका आप जिसका चेक करना चाहते हैं आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर बाई का एक ऑप्शन दिया गया है, आप लोग इस पर जाएंगे। और इस पर जाने के बाद यहाँ पे आप लोग अकाउंट नंबर से, आधार नंबर से और यहाँ पर 11 डिजिट का जो यूनिक कोड होता है उसको डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यूनिक कोड डाल के ही आपको चेक करके आपको दिखा रहे हैं। तो अपना यूनिक कोड डालने के बाद देख सकते हैं इनका लिस्ट ओपन हो चुका है। लिस्ट में देख सकते हैं क्या है, तो सेंड टू DPO, सेंड टू हेडक्वार्टर, सेंड टू बैंक, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस इनिशिएट। तो 3-4 स्टेप के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो चलिए हम लोग नीचे चल के देखते हैं कि किस मंथ का पैसा इनके अकाउंट में भेजा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी महीने का पैसा इनके अकाउंट में भेज दिया गया है। और यहाँ पर डेट भी दिखाई दे रहा है 13/4/2021 और 13/4/2021, यानी कि 2 महीने का पैसा इनके बैंक में भेज दिया गया है। और बैंक से इनके अकाउंट में 15/4/2021 को इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये अपना पेमेंट रिसीव कर सकती हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को भी अपना पेमेंट चेक करना है तो आप लोग इसे ही जाके अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट आया है कि नहीं। और यहाँ पे जो फरवरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पे फरवरी और मार्च का भी पैसा जल्द ही यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही फरवरी और मार्च का यहाँ पे पैसा अपलोड होता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम आपको जानकारी देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें ताकि वो सब भी अपना मानदेय चेक कर सकें। आंगनबाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।